अनिल कुंबले ने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अचानक हेड कोच के पद से इस्तीफा दे दिया और इसके पीछे कई कारण गिनाए जा रहे थे, लेकिन इसकी असल वजह क्या है इसका खुलासा खुद अनिल कुंबले ने किया है। अनिल कुंबले ने हेड कोच की पोस्ट से इस्तीफा देने के बाद ट्विटर पर एक थैंक यू लेटर पोस्ट किया है। इस लेटर पर उन्होंने बीते एक साल में टीम इंडिया के अचीवमेंट का क्रेडिट कैप्टन विराट कोहली और उनके प्लेयर्स को दिया है। उन्होंने कहा, मुझे पहली बार बीसीसीआई की तरफ से बताया गया कि कैप्टन विराट को मेरे स्टाइल और हेड कोच के तौर पर मेरे टीम में बने रहने पर एतराज था। मुझे काफी दुख हुआ और मुझे जानकर भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैंने हमेशा कैप्टन और कोच के बीच की बाउंड्रीज का सम्मान किया। हालांकि बीसीसीआई ने कैप्टन और मेरे बीच गलतफहमी दूर करने की कोशिश की, लेकिन ये जाहिर था कि हम दोनों की पार्टनरशिप टिकाऊ नहीं थी, लिहाजा मैंने सोचा कि आगे बढ़ जाना ही ठीक रहेगा। बता दें कि कुंबले और विराट के बीच मतभेदों की खबरें पिछले कुछ दिनों से आ रही थी। कुंबले का कॉन्ट्रैक्ट मंगलवार को ही खत्म हो रहा था। उन्हें वेस्टइंडीज टूर तक कोच बने रहने को कहा गया था। यही नहीं, दोबारा कोच बनने के लिए भी उन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन वो टीम के साथ इंडीज के लिए लंदन से रवाना नहीं हुए और इस्तीफा दे दिया। कुंबले ने ट्वीट कर लिखा कि क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने मुझे हेड कोच बने रहने को कहा था, मुझ पर भरोसा जताने के लिए मैं सम्मानित महसूस करता हूं। बता जाता कि जब लंदन में चैंपियंस ट्रॉफी टीम इंडिया खेल रही थी, तब सचिन सौरव लक्ष्मण की एडवाइजरी कमेटी ने कोहली और कुंबले के बीच गलतफहमियां दूर करने की काफी कोशिश की, लेकिन ये कोशिशें बेनतीजा रही। कुंबले 24 जून 2016 को हेड कोच बने थे। उनके कार्यकाल के दौरान आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया नंबर 1 बनी और भारत चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक भी पहुंचा। इसके अलावा वनडे और टेस्ट में परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा। फिलहाल अब देखना होगा कि टीम इंडिया को नए कोच के रूप में कौन मिलता है। प्ले मीडिया रिपोर्ट।